राज जे आप बच्चा गोद ले लिए पर करे किसी ने मनना नहीं जी पहले तुसी दसो तुसी मेरे इस फैसले नाल सहमत हो ना जे मैनू ना कहता ना तो इन्हें फिर टेंशन ले जानी है हाँ शैली जिस च तू खुश है ना मैं भी उस च खुश हाँ चल शुक्र आ तो मेरे मन का बहम सी भी शैली दे जवाक होने वाला चाची मैं सारी गल कर ली उन्हां दे नाल ते ओ ब्याह वास्ते मन भी गए पर उन्हां दी ना एक शर्त है शर्त ओ की ओ कहंदे भी पहला ना शैली दा राज नाल तलाक हो जाना चाहिंदा मैं क्या तू फिकर ना कर मैं ना राज तो हाँ करवा के हटू ओ मम्मी केड़ी हाँ करवानी है मैं तो भाभी मेरा फैसला तो सुन ही लिया इस करके ना मेरे रिश्ते रुश्ते बारे ना सोची मैंने ते शैली ने ना एक फैसला लिया असी दोवां ने बच्चा गोद लेना तेरा दिमाग सेट आ कुछ खा पी के तो नहीं आया अखे जवाक गोद लेना आए तू किवें लवेंगा गोद ना मम्मी एदे विच गलत की है ओ मैनू गलत गोद दा नहीं पता तू बस जवाक गोद नहीं लेना ओ लोकी की कहणगे ओना ते गल्ला बनाउण दा मौका मिल जू अच्छा जे मैं दूजा ब्याह करा लिया फिर तो नहीं लोग गल्ला बनाउंदे जे मैं जवाक गोद लूंगा फिर लोग गल्ला बनाउणगे पता नहीं किधरला रवाज है ओ तू ज्यादा मेरे नाल जवान ना लड़ा जे तैनू मैं एक बारी कहता ना एक कम नहीं करना तो नहीं करना अच्छा मैं तो जवाक गोद लैण दा कम करा ना जेड़ा तुसी मैनू कम कह रहे हो दूजे ब्याह करन दा ओह तां बहुत वधिया है बे ओसे च ही तेरा फायदा ओ मम्मी मेरा उस च कोई फायदा नहीं तुसी ने तां बस आपदी वी एक जवाका वांगू रट फड़ रखी है रट फड़ रखी है ना फड़ रखी है भावें ना तू कुछ मैनू मर्जी कह ला मैं तां तेरी जम्मी लगदा मूंह देखना ओ मम्मी जेड़ा बच्चा मैं गोद लूंगा ओ मेरा ही तां होऊगा उहनू मैं आपदा नाम देऊंगा उहनू पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा चंगी परवरिश करूं उहदी पुत्तर जी जिन्हू तुसी कहने हो ना मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा उहदी परवरिश करूंगा जिन्हू तू घरे लियाउण नू फिरदा ना ओ अपना खून नहीं होगा पता नहीं की रहा हो मम्मी जी जो तुसी मैनू कह रहे हो ना करन नू ओ फिर मैं भी नहीं होण दिंदा माता भी ना चैन नाल कोई काम नहीं करन दिंदी आई मम्मी हां जी मम्मी कुछ चाहिदा थोनू ना की गल मैं तेनू इन हाका मारिया ने तेन सुनिया नहीं मम्मी ओ ता चलो मेरा छोड़ो तुसी आए दसो भी तुसी इन्ने गुस्से च क्यों बैठे हो नहीं जदों तेनू पता लगे ना तेरे पैरा हेठो भी जमीन निकल जानी है तू आए घर जाके छैली नू बुला के लिया ओ मम्मी पहला मैनू ता दस दो ओनू ता बाद च दस दियो मैं तेनू कहा ना बुला के लिया हां जी मम्मी बुला के लियानी आ लगता अज तो कोई बंब फुटन वाला शैली ते माता जो इन्ने गुस्से चा शैली शैली मम्मी ने बुलाया तेनू मम्मी ने हाँ जी दीदी आई मैं हाँ जी मम्मी जी हाँ जी दी बच्ची है जेड़े ते कन्न भरे ने ना मेरे मुंडे दे उन्हें मेरे नाल लड़ाया तेनू ये कुछ करदी नू शर्म नहीं आई भी गल होई की आ कोई एक दूजे नू ही बोली जाऊंगी आ हुण इधर दस दे भी तू कारा की कीता दीदी असी ना बच्चा गोद लेना चाहुंदे आ शैली आ की कही जानी है तू दीदी मैं कुछ गलत तो कहा नहीं मैं भी बच्चे का सुख लेना चाहनी हाँ मैं चाहनी हाँ मैनू भी कोई माँ कहे नहीं माँ बनने का सुख ऐ नहीं मिलता हूँ जिमें तू चाहनी हाँ जे तू सही मायने च माँ बनना चाहनी है ना तो तेन आप माँ बनना पेगा जेड़ा कि तू बन नहीं सकती
इस लई जेड़ी ते मेरे मुंडे दी मत मारी है ना ओदी सजा तेरी ए है मेरे मुंडे दा खेड़ा छड़ दे ओनू तलाक दे दे लै भी फोड़ता बुढ़ी ने बंब मुंह ते ही कहता भी तलाक दे दे तलाक नहीं ओ मम्मी तुसी शैली नूं तां कहता भी तलाक दे दे जे यही गल उन्हें राज नूं दसती पता किन्ना औखा हो जाना नहीं दस दी है दसी जावे मेरे ते कोई असर नहीं होदा हुण तां जिहड़ा शिवनीत रिश्ता कराउंदी ना मैं तां उही करा के रखूं कुड़ी का तो जो दिमाग हिलिया हुआ सी हिलिया हुआ सी आ शैली का भी दिमाग हिल गया गोद लेना मैं जवाक हुण दस मैं की करा केड़ी चीज़ नू रोका जवाक नू जा ब्याह नू पर एक गल तो हैगी आ मम्मी ने गोद लैण लई जवाक नू नहीं मनना तो मेन मुद्दा रह गया ब्याह का तो ब्याह रोकना बहुत जरूरी आ शिवनीत तेरी खैर नहीं आनी आ थोड़े जे कम नबेड़ ला पहला मेरी फीलिंग नू कोई नहीं समझ के राजी सब नू आई लग रहा मैं जान बुझ के कर रही हाँ पर कोई मेनू भी तो समझो मैं भी मां बनना चाहनी हाँ तेरी तो फोन हैलो दीदी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल होर सुनाओ दीदी की हाल चाल ने मैं वधिया भाभी तू सुना मैं भी वधिया भाभी की गल हो गई बड़ा ढिला जा बोल दी हां कुछ नहीं दीदी उंज ही लगदा थोनू नहीं भाभी गल तो जरूर आ कोई की गल भाभी हुण तू मेरे तो गल्लां भी लुकोएगी तू तो मैनू कहंदी सी वी मैं तेरी भैण आ फिर की गल भैणा एक दूजे नाल गल्लां सांझियां नहीं कर सकदियां दीदी भाभी रो के किसी गल का हल नहीं निकलता हुंदा तू एक बारी मेरे को गल तो कर की पता हल निकले आवे दीदी मैं उम्मीद करती हूँ तुसी मैनू समझोगे दीदी मैं ना बच्चा गोद लेना चाहनी हाँ लै ओ ये तो बहुत वधिया गल आ फिर कदों लैके आ रहे हो बच्चे नू दीदी मैं ते राज तो लैके आउण नू तैयार हाँ पर मम्मी ओ नहीं मन दे मम्मी ओ क्यों नहीं मन दे दीदी मम्मी कहंदे नेंगे भी ओ बगाना खोना अपना नहीं इसलिए ना आप बच्चे गोद नहीं ले सकते मम्मी दी सोच भी ना पता नहीं केहो जी होई पई आ चल तू फिकर ना कर मैं कर दी हां मम्मी नाल गल नहीं नहीं दीदी तुसी कोई गल ना करियो नहीं मम्मी मेनू ही बोलणगे भी मैं आपदी जिद पगाउण लई थोड़ा सहारा लै रही हां भाभी जिद दी गल नहीं हैगी जो सही आ मैं तां ओदा ही साथ दऊंगी भाभी तू टेंशन ना ले मैं मम्मी नाल ढंग नाल गल करूं ते मैनू उम्मीद आ कि ओ मेरी गल समझणगे जरूर सच्ची दीदी पर मम्मी ना मनन वालियां चो नहीं भाभी तू क्यों फिक्र कर दी आ जे मेरी मां मनन वालियां चो नहीं ना तो मैं भी ओदी वी धी आ मना के ही हटूंगी शायद जो कम मैं नहीं कर सकी राज नहीं कर सकिया रब ओ कम दीदी दे जरिए करवावे ते मैनू भी इस घर च कोई मां कहण वाला आवे जा किधरों साडे अंदर बड़ी आउंदी आ शिवनीत आ जा भैणे अज इधरला राह किवें भुल गई ओ राह रू कोई नहीं भुली मैं ता तेरे नाल इक गल करन आई आ गल कर केड़ी गल करनी आ मेरी गल सुन ला भैणे
अपने दिमाग चो ना राज दे दूजे ब्याह दा ख्याल छड़ दे ना क्यों तू ओदा बसया बसाया घर उजाड़न नू फिरदी आ ओ मैं उजाड़ रही हां ओ ता मेनू तेरी सस ने कहा सी रिश्ता कराउन नू मैं ता तां करा रही हां वाह नी तेरे तू ता बल्दी च हाथ सेक रही हां मेनू नहीं पता भी तू केड़े लालच नू ब्याह करा रही हां ना मैं की कोई आडी लालच पालिया होया है जेड़े लोग मंगदे ने रिश्ता करा के मैं भी तो ओही मंगदी हां नी रहण दे टकी रह मेनू मम्मी ने सारा कुछ ही दसिया भी तू मोटी सोने दी छाप ते 51,000 रुपये रिश्ता कराई दा मंग रही हां ना हुण परां नू मूंह क्यों कीता मेरी गल सुन जे मैं तेरी एह गल ना सारे महल्ले च उड़ाती फिर तेरी की इज्जत रह जू मनदीप ना तेनू आ कुछ करके की मिलूगा ओ मेनू कुछ मिले चाहे ना मिले ओ तो तू कुछ नहीं लेना हैगा पर तैं राज दा रिश्ता नहीं करवाना ना तेरे कहन ते नहीं मैं रुकन वाली हैगी जदों तक मैनूं चाची नहीं कहंदी मैं तां रिश्ता करवा के रहूं ओ चाची ने की कहना चाची दे मुंडिया वल्लों ना कोरा जवाब आ ना हुण उहनां तों उत्ते होके तू रिश्ता करवाएंगी मैनूं लगदा ना तेनूं गल समझ नहीं लगी जे नहीं लगी ना तां मैं समझा दिंदी आ ले सुन चाची दे कहे ते मैं रिश्ते दी गल तोरी सी जे चाची ने मैनूं जवाब दित्ता ना मैं उत्थे रिश्ते दी गल बंद कर दूं तू तां ना बाले ढीठ हां आए नहीं मनदी तू हुण देख मैं की करदी आ मैं ना सारे मोहल्ले च जाके कल्ले कल्ले घर च जाके तेरी करतूत दसूंगी भी तू मेरे देवर दा ना बसया बसाया घर उजाड़िया ते ओदा दूजा ब्याह करवा के ना साडे तो मोटी रकम वसूली आ ना आए तू किवें मैनूं मोहल्ले च बदनाम करेंगी तेरी सासी तेरी दराणी नूं आख के राजी नहीं आखे ओदे जवाक नहीं हुंदा अच्छा ना फिर की गरंटी आ भी दूजी दे आउंदी दे ही जवाक हो जूगा जे ओदे ना जवाक होया ना तां मेरी सस ने तेरा एह जा हाल करना जिहड़ा तू कदे सोचिया नहीं होना मना जे तू इन्हां दा रिश्ता करवाएंगी तां सोच लै भिंडां दे छत्ते नूं हाथ पाएंगी क्योंकि ना तां इहदी सस घट आ ते ना ही मुंडे ते मनदीप तां इन्हां सारिआं दी हैड आ हैड सोच लै पुत्त आज तो तेरे मुँह च ना करवा के ही जाऊंगी मैं जरूरी पंगा लेना होवे ना दे मुंडे दा विआह चाहे ना होवे दादे मंगाउण खड़के परां ना हुण केड़ियां सोचा च पईआं भैणे हुण सोचा चो बाहर आके मैनूं दस दे भी की फैसला लिया तू जे तू इन्ना ही कहनी आ तां मैं करवाउंदी नहीं रिश्ता पर तेनूं भी मेरे नाल इक वादा करना पैणा भी तू किसे नूं नहीं दसेंगी भी मैं रिश्ता कराई दे इन्ने पैसे लैनी आ चल ठीक आ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਭੰਡੀ ਮੈਂ ਭੰਨੂੰਗੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀਓ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂੰਗੀ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਅਰਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਬੈਠੀ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਏ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਨੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਆਵੇ ਲੈ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਪਰ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਦੀ ਛਾਂਪ 'ਤੇ 51,000 ਰੁਪਈਆ ਛੱਡਾਂ